Hi guys, welcome back to our channel Dev and Maggie. So today is the day. आज फ्लावर सेरेमनी है. पीछे आप मेरा लहंगा देख पा रहे हो. इट्स येस, इट्स अ ग्रीन कलर पूरा लहंगा. जब मैं पहनूंगी तभी आप देखोगे. मुझे नहीं पता देव ने व्लॉग स्टार्ट किया है या नहीं किया, बट बहुत ज़्यादा भसर चल रही है. वो अभी गया हुआ है केक लेने और दो तीन और चीज़ें लेने. सो वो वहाँ पर बिजी है. मैं तब तक आपको फ्लावर ज्वेलरी दिखा देती हूँ. अभी अभी आई है. स्नीक पीक दे रही हूँ मैं आपको ज्वेलरी का. पर्ल्स और वाइट सनफ्लावर्स की ज्वेलरी है ये. एक्चुअली मुझे थोड़े से रेड भी ऐड कराने थे, बट अभी आज क्योंकि 15th August है तो रेड सनफ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे. तो आई थिंक ये भी अच्छा लगेगा. मेरी सारी ज्वेलरी ऑलमोस्ट वाइट ही है, सो इट विल मैच होपफुली. इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी एंड देन देखते हैं. ओके, सो सीन क्या है. सीन ये है कि फंक्शन का टाइम था 4:30 का और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं. आप जैसे कि ओ आपको दिख नहीं रहा, बट या 3 बज रहे हैं. सो हमने ना हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया था. मेकअप हम लोग अपना खुद ही करने वाले हैं. हेयर स्टाइलिस्ट आ गई यहाँ पर साकेत से. हम लोग पश्चिम बिहार में हैं, वो साकेत में है. तो वो आ गई यहाँ पर और जैसे ही वो नीचे पहुँची तो उसको शी रियलाइज दैट शी हैज़ फॉरगॉट हर बैग, जिसके अंदर सारे की सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी हेयर स्टाइल होनी है. वाओ, ये सारी चीज़ें तो होनी होती है जब कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, राइट. सो वो अब वापस गई है. वो 2:30 बजे पहुंची थी यहाँ पर. शी हैज़ गॉन बैक. शी विल गेट हर स्टफ एंड देन शी विल कम. सो ये बहुत बड़ा सीन हो गया. हे गाइस, सो भाई ऐसे आपने शायद आपको शायद मैगी ने बता दिया होगा, मैं सामान लेने गया देने गया हुआ था बैंक्वेट में. और वो जो रखे थे हमने गाड़ी में कल रात को सारे प्लांटर्स और वो बैकड्रॉप वगैरह सब वहाँ पे सेटअप करवा के आ गया हूँ. अब थोड़े बहुत जो गिफ्ट्स हैं वो लेके जाने हैं. फिलहाल वी आर वेटिंग फॉर द हेयर मेकअप वाली, जो हेयर डू वाली है, वो अपना सामान भूल गई थी वहाँ घर पे, फिर से लेने गई है. क्यों? सही होएगा. अरे सही होएगा, डोंट वरी. बस अच्छे से लिक्विड है ना यहाँ वाला, लिक्विड जो इसके अंदर ही होता है वो फेंक दिया था. ठीक है, चल ठीक है. तो तैयार होते हैं. सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स, मैं सरदार हूँ नहीं. आई रियली लव द सिख रिलीजन, बट ऑब्वियसली मेरे जो फ्रेंड हैं सरदार हैं वो मेरी पगड़ी बांधते थे हमेशा, बट आज कोई था नहीं. आई हैव डन अ जॉब फॉर माई सेल्फ एंड आई गेस इट्स प्रीटी नाइस. डू कॉमेंट कैसी लगी है. मेरे को एटलीस्ट 15-20 मिनट लगे हैं पगड़ी बांधने में, बट ठीक है, जुगाड़ के लिए पहली बार के लिए तो सही हो गई है. कैसी लगी? गाइस, इस घर में सब लोग हर अलग अलग चीज़ों में परफेक्ट हैं. बेसिकली हम खुद ही कर लेते हैं आधे काम. तो हमने डेकोर खुद किया अपना. ठीक है, इसने पगड़ी बांध ली. मेकअप मैं खुद करती हूँ, मम्मा अपना खुद करती हैं. बस हेयर स्टाइल हमारी जरूरत पड़ती है. हाँ, और वो आई नहीं है. लगी तो नहीं है बेटे पंखे में इसका हाथ. कल छुपलियाँ गिराई है अपने ऊपर, आज हाथ दे रही है पंखे में. चलो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि इसके मम्मी पापा पहुँच गए हैं. एंड भी जा रहा है? यस. मैं अकेली आऊँगी. गाड़ी चला के आ जाओ. सुहागा बैग भी पहन लिया. अच्छी लग रही तू, बहुत मूड खराब करने के लिए बात नहीं है. चल, बहुत सुंदर. डल रहा है? नहीं डालेगा. डल रहा है ये. कैसा लग रहा हूँ यार, ये बताओ पहले तो. मैगी तो अच्छी लग रही है, मैं कैसा लग रहा हूँ? थोड़ा सा. कितने साल हो गए? 28. देख मेरी 22 साल की उम्र में शादी हुई. सुन, मेरी 22 साल की उम्र में शादी हुई थी. आज मेरा 10 साल का पोता है. अगर तू 28 साल में करेगा तो तेरे, मैं 60 साल का हूँ तो तेरा 65 साल में 7 साल का पोता होगा. तो भाई जितनी जल्दी पोता हो उतनी जल्दी अच्छा होना पोता हो. फिर फायदा क्या है? ये गाइस एकदम मेरी तरह, मेरा बचपन टाइप है. ये शक्लें भी मिलती हैं हमारी और इसकी हरकतें भी वैसी ही है ना. हरकतें भी एकदम वैसी ही है. हाँ, क्या कर रहा है बदतमीज है तू? हैं, रोएगा? इतना बड़ा हो गया तू, रोएगा? रोता तू ऐसा? नहीं रोता. चलो जाओ. ओके, हमारी सेरेमनी
ओहो एक सेकंड, हमारी सेरेमनी शुरू होने वाली है अब। ये रही बुआ, पापा आ तो गए। अब ऐसे करना क्या सेरेमनी में? बस चावल खिलाना, मीठे चावल खिलाएंगे, सगन देंगे। सगन देंगे, मैंने सिर्फ सुना सगन देंगे। सगन डिवाइड कर लेंगे। ये तो रख दो उसका। नहीं ये मामला आ गया। मामला जो 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 थैंक यू थैंक यू। यार मेरे को सारी अच्छी है। गोल डल रहा है इधर, चुप हो जा। स्किन आ रही है, बंद करो। रोइयो मत पे, रोइयो मत, पहले बता रहा हूँ। अजय तो नियम का है ना, ये नहीं रोएगा। ये हंसता रहता है, बड़ा हो गया। ये कौन है? ये कौन है? ओ ओ चाचू है बेटा। गाइस का फोटो शूट हो रहा है। घूम घूम घूम, हो गया हो गया। ओ हो, अच्छा खासा घूम रही थी। दिखाइए, ये देख लो, ये वहाँ पे डलेंगे इंस्टाग्राम पे। घूमेगी घूमेगी, वन टू थ्री गो, घूम। आप क्या बोल रही, क्या बोल रही है? फिक्स कर देना प्लीज, सिर्फ नए नए मत चलाना। ये 90s के सॉन्ग क्योंकि 10 बजे की गाइडलाइन होती है। ये जो नेकलेस है ना, ये मैंने ऑनलाइन देखा था, और हमने रोहतक वाले जो आपने ब्लॉग में देखा होगा, अगर आपने ब्लॉग में देखा होगा तो ये वो बनकर आ गया है, और ब्रेसलेट दिख नहीं रहा। Excited to wear these, you are wearing these. अरे मतलब ऐसे generally. हाँ generally, क्योंकि इसने बनवाया कि मैं रोज पहनूंगी, but वो रोज पहन नहीं सकती क्योंकि बहुत delicate सा है. Still.
बट एनीवे अच्छा लग रहा है और ये बहुत सुंदर लग रही है। मैं इसको बता रहा हूं इसने तू नहीं डालेगा ना वो वाला पार्ट जिसमें बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। गाइस डल चुका होगा पीछे रो रही थी, अब देखो हंस रही है, इसलिए होता है इसको ना कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है। अच्छी लग रही है तू, बहुत सुंदर लग रही है। मेरी चोटी के पीछे रो रही थी, देखो कितनी बढ़िया लग रही है इसकी चोटी। और आपको नहीं पता इसके अंदर हैक है, ये ना मेरे मैंने थोड़े से एक्सटेंशंस लगाए हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोला यार ये बाल अब ये कहीं खुल, इसने कहा अगर खुल गई तो सारी खुलती हाँ, जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जगह जगह ग्लू गन लगा दिया इसके यहाँ पे बालों में, वरना हम फेविक्विक लगाने वाले थे हाँ। क्योंकि ये नकली बाल है। अब हमारे पोर्ट्रेट्स होंगे, हमने पूरे हॉल की लाइटें बंद करानी है और सिर्फ हमारे ऊपर लाइटिंग, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया ये मैडनेस। अब यार कल दो दिन एक अलग मैडनेस होने वाली है, पता नहीं फिंगर्स क्रॉस बताएंगे शेयर करेंगे जो भी होगा। थिंग इज गोइंग टू हैपन होपफुली, लेट्स सी। सो नर्वस एंड सो एक्साइटेड। काश यार मैं वैसे ना भगवान को बहुत ज्यादा ऐसे याद नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे मतलब कि ऐसी सिचुएशन में याद आ जाती है तो किसी की ब्लेसिंग भी लग जाए हमें और वो हो जाए। पगड़ी कैसी लग रही है? ये देखो ऑब्सेसिंग ओवर थिंग्स अप ओवर हिमसेल्फ। यस पगड़ी कैसी लग रही है? सब कह रहे हैं अच्छी लग रही है, भाई बंदा बढ़िया लग रहा है। इंस्टाग्राम पे फोटोज डालेंगे, चेक कर लेना। हमारा रैप अप हो गया, शूट बहुत अच्छा कर दिया आदित्य ने, ये बेचारा। थैंक्स आदित्य एंड हेमंत हिज टीम। यस तो आप इंस्टाग्राम हमारे साथ अभी तक शूट कर रहे हैं हाँ, और पसीने में क्योंकि बैंकर डॉलर ने एसी फैन सब कुछ बंद कर दिया बिकॉज 10 बजे की टाइमिंग थी। बट दिस वॉज रियली रॉन्ग, एक पंखा या एसी चला के रख सकते थे, इतना कोई बिल नहीं आता है इनका, पैसे वैसे ही बहुत लिए इन्होंने। बट एनीवे फिलहाल घर जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। घर जाके एक दो शूट्स और करेंगे क्योंकि इतना सारा मेकअप, इतना सारा रेडी होना, रील बनाएंगे, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इंस्टाग्राम दिवांश कंबोज मैगी डॉट साइज फॉलो कर लो। होप इसको ये फंक्शन अच्छा लगा आपको, एंड लगा तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लाइटें ही बंद हो गई हैं।